कोई नहीं है, जबकि होना क्या चाहिए। हम तो सुनते हैं कई देशों में कि वहाँ स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए इतनी बड़ी है, अगर इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो कोई एक सेंटर ऐसा होगा कि अगर आप इसमें आपको इच्छा नहीं हो रही काम करने की, तो आपको स्ट्रेस फ्री होने के लिए थोड़ा एक स्पेस मिलेगा जहाँ आप प्रॉपर नाश्ता पानी या रेस्ट ले सकते हैं। आप इवन आपको नींद आ रही है तो आप एक घंटे की नींद भी ले सकते हैं। ऐसी भी व्यवस्थाएँ कहीं हमने सुनी है, मैंने देखा तो नहीं है, सुना है। इस तरह का इन्वायरमेंट अगर आप देंगे, फ्रेंडली इन्वायरमेंट देंगे, तो हम इंस्टीट्यूशन के अंदर के स्ट्रेस को मिनिमाइज कर पाएंगे। और हम अपने फैमिली के स्ट्रेस को कैसे मिनिमाइज करें, इसके लिए फिर हमें स्पिरिचुअल और इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करना होगा। तो सरकार का जो रोड मैप है वो बेसिकली फिजिकल हेल्थ पर फोकस्ड है। मैं अपनी बात जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक पहुँचाना चाहूँगा कि सरकार को भी चाहिए कि 2047 में जो आपका विजन है हेल्थ फॉर ऑल, वो कितना बढ़िया कम होगा। हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं, हम 2-4 टीके और बना रहे हैं। पोलियो का उन्मूलन हमने कर दिया, बहुत पहले हम स्मॉल पॉक्स को भी भगा दिए थे, तब तक कोरोना आ गया। हमको पता नहीं हम किसको किसको भगा रहे हैं और कौन कौन आ जाएगा। हम प्रकृति से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति को समझ के नहीं, प्रकृति के ऊपर हावी हो गए। हमें प्रकृति को समझना होगा, प्रकृति की तरह से चलना होगा, प्रकृति की भावनाओं को जान के काम करना होगा, विकास को फिर से परिभाषित करना होगा। अभी जो विकास कर रहे हैं ठीक से परिभाषा की जाए तो हम विकास नहीं कर रहे हैं, शायद क्या को न लिखना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन घटनाएं देखने में आ रही हैं। तो मेरा कुल मिला के कहना है कि हेल्थ को हम अगर किसी नए लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं 2047 पे, तो हमारा विजन बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। हम आज के चश्मे से काम करेंगे तो हम वहीं रहेंगे, कुछ बीमारियाँ हम मुक्त कर लेंगे, तब तक कुछ नई बीमारियाँ आ जाएंगी, स्ट्रेस और ये सारी चीज़ों से मुक्त होने के लिए। तो कुल मिला के घरेलू बात यही है कि हम इमोशनल और स्पिरिचुअल बने और नेचर की तरफ जाएँ। धन्यवाद। I now extend heartfelt thanks and gratitude to all worthy doctors who were here and who spared their valuable time to end with our students and faculty members. And in academic fraternity, you know, आपको personally इतने doctor का इतना समय लेना हो तो कितना पैसा लगेगा, और इतने सारे डॉक्टर सब लोग आए हैं हमारे पास, इन्होंने जो बताया मतलब डॉक्टर साहब ने हमसे मिलके हमको जो बताया, अगर वो हम लोग थोड़ा बहुत फॉलो कर ले तो सकता है हमको जाके डॉक्टर साहब से मिलने की नौबत थोड़ी कम आएगी, और जो हमारी जाके मिलने की नौबत होती है बड़ी पेनफुल होती है। और डॉक्टर साहब को जो आके मिले हैं ये बड़ी हेल्दी और अच्छी सी मीटिंग है, जरूर थोड़ा भूख लगा है सबको अंदर से, कुछ कुछ होता है भूख के लिए, लेकिन अब जो है आप लोगों ने जो इतना सुना, दिस हैज बीन इक्वली सिग्निफिकेंट टास्क एंड फूड फॉर थॉट एंड फूड फॉर हेल्थ दैट यू हैव डिलीवर्ड। और आपको फिर मैं बोल रहा हूँ कि वो बच्चे जो यहाँ आके डॉक्टर साहब आए थे उनसे भी मिले, लगता है उनको जा जा के मिलना पड़ेगा, और that's why it is required, you know, sometimes we need to be कहते रियाज में जितना पसीना बहाओगे जंग में उतना खून बचाओगे। So this is the place of रियाज and where we need to be mostly focused, and that should be our aim. And that if we want to see really a developed India, growth or development पे हमेशा अंतर होता है, growth vegetational होता है, unidirectional होता है, biological होता है, but development is all round, and that's why we focus that this session is really significant to give the new direction to this conference. और हमारे ideas को आप लोगों ने आज की जो group group दिया, इसके लिए हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेटर्निटी और टीम ऑफ KIPM एंड मदर मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग तथा प्रबंध विज्ञान विभाग की तरफ से हम आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। डॉक्टर विराट डॉक्टर साहब से तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड हैं, डॉक्टर गणेश यादव साहब से, और
उनको हम लोग पर्सनली रिक्वेस्ट करके अधिकार से उनसे हम लोग बार बार बुला लेते हैं। डॉक्टर ए के पांडे साहब को भी हम लोग बड़े अधिकार से बड़े खोज करके, लेकिन डॉक्टर विराट साहब आप आए बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर गौरव शर्मा साहब, देखिए हम तो आपसे संपर्क भी जा कह देते थे, बट एज ए डॉक्टर आपके यहाँ से पेशेंट के लिए समय निकाला, ये बड़ी बात है। ये इसके लिए हैट्स ऑफ टू यू, आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। आप
आपने